भी पापा, हम नहीं जाएंगे सुयालन मम्मी। हाँ बेटा बचा लो सुयालन, हमें छोड़ दीजिए। अरे हम नहीं जाएंगे सुयालन। नान बरल ननगे तुम्बा नो बरते। अय्यो नान तगोळल्ल वैक्सीन, नीवे होगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सस्त्री अकाल, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए, और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वैक्सीन है। हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वैक्सीन है। कोविड का फर्स्ट डोज ही नहीं, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट डोज है। हाँ दिस इज ट्रू। आज तक मुझे कोई भी वैक्सीन नहीं लगा, ना ही कोई इंजेक्शन के फॉर्म में, ना ही कोई ड्रॉप, नहीं कोई इंजेक्शन नहीं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट वैक्सीन है, और ये कोविड से बचने के लिए तो ये ज़रूरी है ही। हाँ मुझे डर तो बहुत लगता है इंजेक्शन से, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ी देर का तो दर्द बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना, अपने लाइफ को और अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स जिससे भी हम मिलते हैं, सबके लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि हम बचेंगे तो सबको बचा सकेंगे, है ना। ये देखिए मेरा शेर भी रेडी है जाने के लिए, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं जिसके साथ ये रह सके, और मुझे ड्राइव करना नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड को भी साथ जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे बेटे को भी साथ में जाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे अच्छा बच्चा को मास्क लगा कर रेडी है। अभी की सिचुएशन में तो ऑफिस जाओ या सब्जी लेने जाओ, ऐसा लगता है जैसे कोई टूर पर जा रहे हैं, लंबी टूर पर। हम लोग तो बड़े इतने बोर हो जाते हैं ऐसे बंद बंद। ये देखिए बच्चों की क्या हालत होती होगी। थोड़ा भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो मेरा बेटा ऐसे ही खड़ा होकर पीछे देखकर एंजॉय करता है, घर में बंद बंद कुछ नहीं देख पाता, और कोई लोग भी नहीं है हमारे घर पर ज़्यादा, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का ही काम रहता है। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो भी हमारा फ्री टाइम मिले इसे दे सके, जब ये सोता है तभी कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं। हाय मेरा बच्चा। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। कब से सोच रही हूँ थोड़ा सिचुएशन ठीक हो तो इसे इसके नानी घर और दादी घर घुमा ले आऊँ, सबसे मिलेगा थोड़ा अच्छा लगेगा। बट वैसे मेरे इस मास्क के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा? मैं जब भी ये मास्क लगाती हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। वैसे तो मैं बहुत पहले ही वैक्सीन ले लेती, बट उस वक्त ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आया था कि लैक्टेटिंग मदर वैक्सीन ले सकती हैं, बट एज पर न्यू गाइडलाइंस उसमें क्लियरली मेंशन है कि लैक्टेटिंग मदर भी ले सकती हैं वैक्सीनेशन, इसलिए मैं अब जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए। देखिए मेरे बेटे को नींद आ गई, एक्चुअली मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, बहुत दिनों के बाद इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर रही हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे वाली सीट पर ही बैठा करती थी बेटे को लेकर, बट अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब करता है कार चलाने के टाइम में, इसे भी ड्राइव करना होता है, इसे भी सारी चीज़ें मालूम हो गई है, कैसे घुमाना है, कहाँ प्रेस करना है, बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे हस्बैंड को कार चलाने में, इसलिए अब हम लोग पीछे ही बैठते हैं ताकि ड्राइविंग करने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। मेरे हस्बैंड वैक्सीनेशन सेंटर पर गए हुए थे, मेरा नंबर कब आता है ये देखने के लिए, तो हम दोनों कार में ही मस्ती कर रहे थे। मम्मा। हाँ बेटा। डांस डांस करो डांस। Yes, very good, very good. Well done, very nice. Yeah. Yeah. Say hi. 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 Yeah, very good. Namaste. Namaste. Namaste karo beta. Namaste. Namaste.
नमस्ते वेरी गुड वेल डन बेटा वेरी नाइस क्लैप क्लैप क्लैप। फ्रेंड्स अब मैं लौट कर घर जा रही हूँ, मुझे वैक्सीन नहीं लगा, अच्छा खासा पोपट हो गया मेरा। लाइफ का फर्स्ट वैक्सीन लगाने गई थी वो भी नहीं मिला मुझे, पता नहीं लगता है इस जन्म में तो मुझे वैक्सीन नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मेरा नंबर आया वैक्सीन ही ख़त्म हो गया, और वैसे भी जहाँ पर मेरा नाम रहता है वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होता ही है, कुछ तो ऐसा होता है जो नहीं होना होता है, और ये तो खैर नॉर्मल है, ये तो सभी जगह हो रहा है, तो मेरे साथ तो होना ही था। तो आज मुझे वैक्सीन नहीं लगा, देखती हूँ कब लगता है, मुझे लगता है कि नहीं लगता है। कल तो ऑफिस जाना है, आज मेरा ऑफ था, बट देखते हैं क्या होता है, अपडेट करूंगी मैं आपको कि मुझे वैक्सीन कब लगता है। मेरे बेटे का खाना पानी भी जो भी था सब घर पर ही छूट गया था, तो मेरा बेटा भी भूखा है, अभी जाकर सबसे पहले इसे कुछ खिलाऊंगी और सुलाऊंगी। नहीं नहीं सबसे पहले तो जाकर बात लेना है, गर्म पानी पीना है, गागल करना है एंड ऑल अपने प्रिकॉशंस के लिए। ओके गाइस मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, छोटी सी जिंदगी है, खिलखिलाते रहिए।